चार दिन नाले दुनिया के नगमे पे गाते थोड़ी देर ठहर जाओ मेरा एक माही आवेगा इन मैं अपने यार की गुलामी देवगा फिर आवाज यदी आवेगी नगमा मेरा आवेगा जग भी सुनिया करेगा रब भी सुनिया नमाज फकत तेरी दीद का बहाना बनी। अल्लाह फरमाया एक दिन आबाद दी ते नगमा साडा ओ नगमा नगमा लहूती होवेगा फिर जग भी सुनेगा ते रब भी सुनेगा। बिलाल फरमाते ने मैं रात चक्की चला रहा मेरा एक यार बन गया वह भी गुलाम है जिसका नाम है अम्मार बिन यासिर। आप फरमाते ने कि मैं देखा कि गली च कुछ सोहना जहा गुजरिया वो गुजरिया की कि मेरा दिल भी नाल ही लै गया। अम्मार बिन यासिर दे सीने ते हाथ मार के ना दे हजरत बिलाल फरमाते ने आ जरा सोहना जहा गुजरिया कौन है ते अम्मार फरमाते ने बिलाल तेनों नहीं पता इहदा नाम मुहम्मद है मक्के दे सरदार ते मक्के दे काबे दे मतबली दा पुत्र है सरदार है कुरैश दा बेटा है इहदी सूरत भी सोहनी इहदी सीरत भी सोहनी। हजरत बिलाल फरमांदे ने सोना की गुजरिया मेरा दिल भी नाल ही लै गया। आर बेगड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने काले कुंडल ज़ुल्फ़े महीदे चले हुन केड़ा अख नले अख मिला मुहम्मद दिल उठ खड़े आ दिल बिलाले अभी फरमाते ने सोना गुजरिया मेरा दिल भी नाल लै गया। आ फरमाते ने चंद दिन गुजरे अम्मार बिन यासिर नु मार मार के इना कमके दे काफी ना मेरे कमरे च बेहोश करके सते आल अद्धी रात वेले होश करा के फरमाते ने अम्मार तेनु मारा क्यों पैंदियां ने। अम्मार कहन लगे बिलाल मैं कहना रब इको ही है ए मैनु मार देने। बिलाल फरमाते ने मारा खान वाली गल्लां ते आप करना है रब भी कदे इक होया है। फरमाया 360 काबे दे अंदर बुत ने ए सारे रब ने। अम्मार कहन लगे मेरा माही ते कहंदे रब इको ही है। बिलाल फरमाते ने तेरा माही कौन है। फरमाया ओ जड़ा गली च सोना जिहा गुजरदा है तेनों बड़ा सोना लगदा है ओही मेरा रसूल कहंदे रब इको ही है। बिलाल सोची पै गए अम्मार कहंदे ते हद रखे फरमान लगे बिलाल की पिया सोचना है। बिलाल फरमाते ने अकल ते नहीं मनदी रब इको ही होवेगा पर जे ओ सोना कहता है फिर इको ही रब केड़े केड़े काम करेगा इन्हें रबा को साडे काम नहीं होते एक रब केड़ा केड़ा काम करेगा। अकल ते नहीं मानती कि रब एक होवेगा पर जे सोना कहते ना फिर इको ही होवेगा। हौला बोलो बार आवाज नहीं जानी चाहिए हाथ बिल्कुल नहीं चुकना मत किधरे कोई शहीद ही ना हो जाए। अजे तो मैं शुरू आया मैं तुम्हें चेक कर लगा तो तकरीर किमें सुननी मैं उमें सुना जावगा मैं इश्क की वादी च लैके चलिया। बिलाल हबशी कलमा पढ़ लिया रौले ही पै गए। उमैया बिन खलफ से अबू जाल आके अब्दुल्ला बिन जुदान को कहन लगे तेरे गुलाम मुहम्मद का कलमा पे पढ़ देने खरीदना तू है ते गुलामियां मुहम्मद दियां कर देने। पूछा केड़े गुलाम ने कलमा पढ़े कहन लगे बिलाल ने। गिरामी कदर हजरात उमैया को कहन लगा कि जा जेड़ा भी गुलाम है उन्हें जाके कतल कर दे पर उन्हें कतल करने तो पहले उसके कोल मुहम्मद का दामन छुड़ा लवी। बिलाल फरमाते ने मैं ऊंट पे चारा मैनू की पता से मेरे ना की बनने वाली है। आ फरमाते ने बिलाल ने मेरे बालों तो पकड़िया ते मैनू घसीट के मक्के दी वादी च ले आया। बिलाल अबशी फरमाते ने सारी रात मैनू उमैया मारदा रहा थोड़ा जे पिछो ना मेरा ते साउंड वाले दा رابطہ हो लंदा थोड़ा मेरा भी अच्छा हो सारी रात उमैया मारदा रहा कंडियां वाली सोटी नाल मारदा है सुल्तान पीरे बाहू ने रंग इंज पेश फरमाया कि आ फरमाते ने आशिक होए
कमावे दिल रखी मांगे पहाड़ा ते हजार उलामे कर जानी पागे पहाड़ा हूँ मंसूर जाए चुक सूली चाड़े जेड़े बाकी पे खुले असरारा हूँ सर सजदे इन चुकिए पाहो पावे काफिर कैन हजार आशिक होवे इश्क कमावे ते दिल रखी वांग पहाड़ा हो बिलाल नु मार के ना सोटी ते कहंदा दस मोहम्मद दा दामन छड़ना के नहीं छड़ना बिलाल निगाह उठा के परमात्मा ने जे ना छड़ा ते की करेगा वाह इश्का तेरी अजमत तो सदके जावा क्या लगा जे ना छड़ा ते की करेगा उंज जदो मारदा सी ना ते हजरत बिलाल कदे कहंदे सन अहद नारा मारदे सन ते कदे कहंदे सन मोहम्मद अकबर गुजरे ते फरमांदे ने तू मुहम्मद दा नारा मारना है ते एडा उच्चा मारना ते ओ तेनू मारदे ने सरिये दे नाल ओ तेनू मारदे ने लोहे दे नाल ओ तेनू मारदे ने कंडियां वाली सोटी दे नाल जे तू दिल विच मुहम्मद पुकार लिया करना ते बिलाल वेख के फरमान लगे अबू बकर तू होर ते विचू होर हो जावा मैं बन के आशिक इश्क दा क्यों चोर हो जावा फरमाया मैनू केड़ी सट लगदी जदों मारदे ने ए मैं जाके अगे अर्ज करांगा ओ मारदे ना ते कहंदा मैं दस मुहम्मद दा दामन छड़ने के नहीं छड़ना बिलाल अजी फरमांदे ने जना छड़ा की करेगा मैया कहन लगा मैं तेरी जान खड़ देवांगा ते बिलाल फरमांदे ने कर दे मेरी जान खड़ दे जे मुहम्मद दा ईमान ही ना रहा मैं रब दी जान की करनी बाबा बुले सोने दरंगे जे पेश फरमाया कि आ फरमांदे ने इश्क करदा सदा अपनी मर्जी दे कम नए राबे खदा ना खुराबे खदा ए जिथे जावे चुका देवे आशिक दा सर नए काबा एक दिन ना उमैया ने इंज करके बालां तो पकड़िया ते दंज झूड़ा मारिया ते कह लगा बिलाल ओए बिलाल रिजवी साहब है जाके चक पा के ना ते हजरत बिलाल अपनी फरमाते ने किया ओए चक वाले तुसी बोले क्यों नहीं मैनूं पता है मगर मैं जिहड़ी गल दसन लगा ते बाद तुसी बोलोगे गुलाम अपने मालिक दी जुत्ती नूं तोपे विच चुक के छावे करदा तैनूं मार पैंदी है कि अपने मालिक दी जुत्ती नूं हाथ क्यों लगाया है गुलाम अपने मालिक दे चेहरे वल निगाहां उठा के वेख नहीं सन सकदे पर अज ते अजीब ही मंजर मक्खियां वेख्या कि इंज करके ना मालिक ने झंझूड़ा बालां तों पकड़ के झंझूड़ा मार के ना ते गुलाम नूं पुछदा है बिलाल ते बिलाल आखे चक पाके फरमांदे ने की आए तुसी नहीं समझे मैं होर आसान कर देवा हजरत जी जदों हजरत बिलाल हबशी आजाद होए ना ते एक दिन आके मेरे नबी नूं किसी ने अर्ज की या रसूल अल्लाह बिलाल मक्के दी गलियां च बड़ा आकड़ आकड़ के चलता है मेरे नबी नूं बारगाह विच जदों इह पैगाम मिलिया ते हजूर ने फरमाया बुलाओ ना जरा बिलाल नूं सारियां शिकायतां नबी दी बारगाह च करदे सन एक दिन हजरत अबू ज़र गफारी ते हजरत बिलाल हबशी दी गर्मा गर्मी हो गई ते हजरत बिलाल हबशी नूं हजरत अबू ज़र गफारी कहंदे ने चुप कर कालिया ए हुण नबी दे लड़ ले सन हजरत बिलाल हबशी फरमान लगे मैं दसना ना नबी पाक नूं इहनूं बंद कर दिओ जे डरोण नूं हुण बस करो प्लीज सारिआं दी तवज्जो इधर हो जाए हजरत बिलाल हबशी आके नबी पाक दी बारगाह चर्द कर दी ने या रसूल अल्लाह हजरत अबू ज़र गफारी ने मैनूं अज काला आखिया जे
ਉਹ ਗਫਾਰ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਬ ਉਜ਼ਰ ਗਫਾਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾ ਬੁਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਬੂਤ ਆਨੂੰ ابو ذر غفاری آئے تے میرے نبی دے سامنے آنا تے حضور دے تیور بدل گئے نبی پاک نے فرمایا ابو ذر تیرے وجہ وچوں اجے دور جاہلیت دیاں آکڑا نہیں گئیاں بس حضرت ابو ذر غفاری دے تے پانی پانی ہو گئے نا رو کے تے اوتھے دروازے چ کر تیرے کملی والے تو تے تیرا رب کرنا معاف تے بلال نال میں اپنے بڑ لینا او مسجد نبی دے سامنے دروازے تے دروازے دے سامنے چوک چوک چ حضرت ابو ذر غفاری زمین تے لیٹ گئے اپنے رخسار اس طرح کر کے زمین تے رکھیا سارے مدینے والے ویکھ رہے تے حضرت ابو ذر غفاری ہاتھ جوڑ کے کہندے نے بلال یار آویں ذرا اپنا پیر میرے چہرے دے اوتے رکھ میری آکا ٹوٹ جاوے حضرت بلال حبشی آ کے چپا مار کے تے مٹھا چومیا تے رخسار چومے تے سینے لگا کے فرما دے نے میں چہرہ زمین تے رولن دینا جڑا چہرہ میرے نبی نو بڑا سونا لگدا تے واہ واہ مدینے دے تاجدارا میں تیری عظمت تو واری تے صدکے جاواں میں نے جے پڑھیا کرنا حوصلے ماڑے آندے بدا بے پیا عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا تے نیرگاراں چ جا کے وگاوے پیا جن عرشاں تے رب نے بلاوے پیا حوصلے ماڑیاں دے وداوے پیا تے عاجزی تگڑیاں نو سکھاوے پیا سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ بے مرشد نال میں کدے بولیا نہیں مرشد والا بولے سبحان اللہ اسے آکھیا کملی والا بلال بڑا اکڑ کے چلدا میرے نبی فرما بلاؤ بلال بلال سامنے آئے ہن میرے نبی دا سمجھاوندا انداز اے کپڑا سی نا او دو علا سبیل ربی کا بالحکمت والموعظۃ الحسنہ میرے نبی حکمت نہ سمجھاندے سن حضور نے بلال حبشی نو سامنے بٹھا کے فرمایا بلال میں تینوں قران دی آیت سناواں مینوں پتا تسی لنگر دے آسرے بھی آؤں پر تھوڑا آسرا گھروں بھی کر کے آیا کرو ہیں بندہ سبحان اللہ کہہ جوگا ہو جاندا ہے تے جدی امی نے دس کے بھیجے نا پترا تو ساری زندگی پلیا ہی مصطفیٰ دے لنگر تے او سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ قالے دے والی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام ہڈی رچیا اوتے ٹر دے اپنی ٹورے غیروں دی گل او نہیں سن دے دکھانے اونا دے ڈورے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا غیروں دی گل او نہیں سن دے کن اونا دے ڈورے نوجوانوں حضرت بلال نے آئے تو سنی نا عرض کی تھی جی میرے رب نے ٹھیک ہی فرمایا جی حضور فرما دینے کو ہو رہا ہے تو سناوا عرض کیتی جی حضور سناو نا میرے نبی فرما اللہ فرما دے کہ ولا تمشی فی الارض مرحا اللہ فرما دے زمین تے اکڑ کے نہ چلو حضرت بلال نے آیتہ تے سن لیا تے بعد چرز کیتی میرا رب تے ٹھیک فرما رہا ہے پر اے منو کیوں فرما رہے ہو
नबी पाक ने फरमाया बिलाल असल गल है कि लोग शिकायत की थी कि बिलाल मक्के की गलियों च आकड़ के टुरदा है। बिलाल दी निकल चीख गई है, कबरी वाले मेरी मां बांधी, मेरा बाप गुलाम, मेरा दादा गुलाम, मैं बन बंडिया चो विकन वाला, ते मेरे चाकड़ा कितों आ गई, मेरा ते रंग भी काला, सोना भी कोई नहीं, ते मैं क्यों आकड़ना कबली वाले, मैं ते कदे नहीं आकड़िया। नबी पाक ने फरमा जो लोग कहते ने बिलाल आकड़ के चल दे, बिलाल ने रोके कदम फड़ के अर्ज की थी कमली वाले ये सची पूछना मैनो आकड़ा तू दितिया, कमली वाले मैनो आकड़ा तू दितिया ने, जदों दा तेरा इश्क कमा के अमीर आया, अज किसे गली जो काफर आकड़ के गुजर जावे अदरों तेरे इश्क दी आवाज आउंदी है, बिलाल आकर बिलाल आकर बिलाल आकर, ए झूठा हो के आकड़ सकदा है, सच्चा हो के भी आकड़ सकना। ओ जदो इंज करके ने जंजूड़ा मार के ना कहता बिलाल इश्क ने आकड़ दी सी ना, आखे चक पा के परमंद ने किया है। ओ ठिठर गया, कह लगा कुछ नहीं, पर मैं बोलना, कह लगा बस एक गल पूछनी, मैं तेन मार मार के थक गया, तो हाय नहीं की, वाय नहीं की, कदे ये भी नहीं आख्या मैनू ना मार, ते तेन दर्द नहीं होंदा, तू केड़ी मिट्टी का बने, तेन दर्द नहीं होंदा। बिलाल फरमा ने नेड़े हो ना, वो करीब होया, फरमा कन च गल सुन, उन्हें कन करीब किया, तू कन च फरमा ने है तू बेईमान है, पर मैनु ईमान ना दसी कदे इश्क किया ही। ओ मैया इश्क कदे किया ही, कह लगा की होंगे, पर मैं जाओ जालमा ते पता ही उन्होंने होंगे जिन्हें किया हो। अच्छा एक बंदा सेब खा लवे ते दूसरा पूछे किवें दा इहदा जायका की है, वो की दसे किवें दा, इते खा के पता लगना ना कि सेब दा जायका की होंदा है, ते जिन्हें इश्क किया ही ना होवे उन्हें की पता इश्क केड़ी बला दा ना है, उन्हें की पता इश्क दे जायके दा, इते उन्हें पता होंदा जिन्हें किया होवे। बिलाल फरमाते ने जालमा तेन की पता इश्क केड़ी बला दा ना है, कह लगा कुछ ते दस ना, आपने फरमाया कदे गौर किया है जदों तू मैनू कोड़ा मारन लगना है या मैनू सोटी मारना ते मैं अख बंद कर लेना, कह लगा ये ते मैं हर बार वेखना, मैं जदों भी तेनों मारन वास्ते पोजीशन लेना तू अख बंद कर लेना है। बिलाल फरमान लगे जालमा इश्क दे बेड़े दा कानून है, आशिकी अख बंद करे सामने मशूख आ जांदा है, तालिबी अख बंद करे सामने मतलूब आ जांदा है, जदों आशिकी अख बंद करे सामने मशूख आ जांदा है, बिलाल अख बंद करे सामने रसूल आ जांदा है, फरमा इश्क दे बेड़े दा कानून है, यार सामने आवे कोड़े इक पासे रह गए रूह निकल जांदी है पता चलदा ही। परमा यूसुफ सामने होवे उंगलियां कटियां जानते पता नहीं चलदा, ते जिदे सामने यूसुफ दा भी आका होवे उनु तेरे कोड़ियां दी की खबर होवे, कदों मारना मैनू इस आवाज से दर्द नहीं होंदा। गिरामी कदर हजरात भूल जाता हो के फिर दर्द कहां होता है, आपका नाम जब विरद जुबान होता है। गिरामी कदर हजरात मारन वाले मार दे रहे ते मार खान वाला सी भी नहीं करदा। मैं अल्लामा कारी रमजान साहब मैं जो बच्चा सा मैं अपने वालिद गिरामी खतीब पाकिस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुहम्मद लतीफ हासी रहमतुल्लाह अलैह नाल जो जलसिया से जाना ना, तो आपने जो हजरत बिलाल का इश्क बयान करना वो तकलीफ बयान करनी, तो मैं छोटा जहा करीब बैठा तो मैं सोचना करना मारते अबू जाल नू पैनी चाहिए सी, मैं सोचना मारते अबू लहब नू पैनी चाहिए सी, रब के दुश्मन सन, मारते फिरौन नू पैनी चाहिए सी, मारते नमरूद नू पैनी चाहिए सी जिन्हें आख्या अन्ना रब्बुकुमुल आला मैं वड्डा रब हाँ, मारते हमान ते शद्दाद वर्गे नू पैनिया चाहिए सन जिन्हें खुदाई दे दावे कीते नमरूद ते फिरौन वर्गे, पर वो जिहड़े नमरूद ते फिरौन वर्गे जिहड़े खुदा बनी बैठे सन जिन्हें ने खुदाई दे दावे कीते उन्हां नू ते अल्लाह ने कदे सर च दर्द भी नहीं होण दित्ता। मुफस्सिरीन फरमांदे ने फिरौन नू कदे बुखार होया ही नहीं सी, अल्लाह उन्हां नू इन्नी भी तकलीफ नहीं दिंदा कि उन्हां नू सर च दर्द भी होवे ते बुखार भी होवे। ते आ जिहड़े इश्क दे नाज़ुक जे बंदे इब्राहिम नू आख्या अग विच छाल मार दे,
कदे पुत्र दे हलक ते छुरी रखा के आख्या पुत्र ज़बह कर दे, कदे सूली चढ़ा दिते गए, कदे आरे हेठा लिया के दो टुकड़े कर दिते गए। वयक्तलून नबीयीन बगैर हक, बनी इसराइल ने एक दिन विच 70-70 नबियां नू कतल कर दिता यार, कदे सूली चढ़ा दिते गए, कदे आरे हेठा लिया दिते गए। मैं छोटा सा ते मैं सोचना कि जिन्हां नू मार पैनी चाहीदी सी उन्हां नू ते रब ने शाहियां दित्तियां ते बादशाहियां दित्तियां, ते आ जिहड़े इश्क दे नाज़ुक जे अपने बंदे सन इन्हां नू इन्नियां मारां क्यों? मेरी गल समझ च ना आवे, पर फिर मैनू किसे सूफी ने समझ आया। उन्हें आख्या आसी साहेब, वो जिहड़ा साडे तों अगला जमाना सी ना, ते माई वडेरी बाजार च बर्तन खरीदन जांदी सी, ते मट्टी दे बर्तन आउंदे सन, ते माई ने कोई प्याला खरीदना, कोई कनाली खरीदनी, कोई हांडी खरीदनी, कोई तबाक खरीदना ना, ते वो बर्तन नू तली ते रख के ना, ते माई ने इस तरह जे छणकदी ते खणकदी आवाज आउणी ते खरीद लेना, कहना पांडा पक्का है, ते जे पिल्ली आवाज आउणी ना, ते कहना पांडा कच्चा है, इहनू पट्ठी च होर पका के लियाओ। उस सूफी ने मैनू फरमाया कि आसी साहब, कच्चा पांडा ते माई नहीं खरीददी। इंसान भी जो इश्क दी मंडी च विकन आउंदा, फिर यार भी ठोक के वजा के वेखदा कि तेरे कच्चा ही ते नहीं आ गया, फिर माही भी ठोक के वजा के वेखदे ने किधर कच्चा ही ते नहीं इश्क दी मंडी च आ गया। बिलाल जो मारा खा खा के पक गए ना, एक दिन मेरे नबी फरमा कोई होवे जेड़ा मेरा बिलाल ही खरीद लवे। इश्क दी दुनिया दा इमाम हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे, फरमा दे मैनूं ख्याल आया इन्हें गुलाम अपनी मर्जी दे खरीदनी है कि यार दी मर्जी दा भी खरीद ले। उठ के ते हजरत सिद्दीक अकबर तुरे ना, ते नबी पाक फरमा दे जेड़ा बिलाल खरीदन जावे ओ मेरा हिस्सा ले जावे। सिद्दीक अकबर मुड़ के कह लगे कमली वाले हिस्से ते शरीकां नाल खरीद ले। ओ भाई दो वीर होवन ते शरीक होंदे ने ना प्यो दी जायदाद च, ते अद्दो अद्द करदे ने, शरीक अद्धे दा वारस होंदे। ते हबीब नू आखीदा जी मैं भी तुहाडा ही हां ते सारा कुछ तुहाडा ही है, हबीबा नाल हिस्से ते नहीं ना करी दे। आखिया सोनिया मां भी तेरा ते मेरा माल भी ते तेरा ही है ना, कमली वाले जिथे दिलां दे सौदे हो जान उथे माल दे सौदे ते नहीं ना करी दे। सिद्दीक अकबर आए मक्के ते चौक च, उमैया हजरत बिलाल हबशी नू अज मारन वास्ते लेके आए, सीने ते कई मन दा पत्थर रखे, बिलाल दा खून पिया वगदा है, जेड़ा गुजरदा है ओदे हाथ च जो आउंदा बिलाल नू मार के गुजर जांदा है, ये साडे पुत्तां दा दुश्मन है, लोक कोठियां ते चढ़ के तमाशा वेखदे। हजरत सिद्दीक अकबर कोलों गुजर के फरमांदे ने उमैया क्यों मारना है ओ जालिमा, उस गरीब ने तेरा की बिगाड़िया है? तो मैया कहन लगा एडा गुस्सा लग दे ते खरीद ले। फरमा बोली बोल मैं घरों ही ऐसे कम आया। ओ मैया नु ख्याल आया मैं ते आज बिलाल नु चौक च इस वास्ते लेके आया कि नु मैं चौक च मार देवा, दूसरे डर दे गुलाम मुहम्मद दा कलमा ना पढ़न, ते हुन लबा चो निकल गया कि खरीद ले। लोग इकट्ठे हो गए, गर्मा गर्मी हो गई ना, ते उमैया नु ख्याल आया होवे ना ते बोली एडी उच्ची बोला सिद्दीक खरीद ही ना। सोच सोच के कह लगा जे बिलाल खरीदने ते 1000 दिरहम लगदा, लोग एक दूजे दा चेहरा वेखण लग पे, ए बिलाल ते कौड़ियां दे पावे चीए ते विकदा नहीं, ते 1000 किन्ने देना है? पर वाह सिद्दीक तेरे भी इश्क तो सदके 1000 दिरहम दी थैली कढ़ी ते उमैया दी तली ते रख दित्ती। उमैया दे ते होश उड़ गए, फबो हे तल्लदी कफर, कह लगा नहीं नहीं मैनूं गलती लग गई, मैं 2000 कहने सन, 1000 कह बैठा। सिद्दीक ने दूसरे 1000 दी थैली भी ओदी तली ते रखी, कहन लगा जे सौदा पक्का नहीं होया अबू बकर, तेरे कोल एक गुलाम है मिस्र दा निस्तास, बड़ा सोहना गुलाम, बड़ा कारीगर, अपने मालिक नूं रोजाना बड़े पैसे कमा के देने वाला, कहन लगा ओ भी मैनूं दे दे। सिद्दीक ने फरमा ओ भी तेरा, कहन लगा ओदी बीवी फरमा ओ भी तेरी गुलामा, कहन लगा ओदे बच्चे फरमा ओ भी तेरे गुलाम। लोग कहन लगे उमैया हया कर, सौदा करके मुकरना है, दे बिलाल अबू बकर नूं। उमैया तो गल ना बनी, कहन लगा जा अबू बकर बिलाल नूं लै जा। सिद्दीक अकबर ने जोर लगा के कई मन दा पत्थर बिलाल दे सीने तो हटाया, ते दामन पकड़ के हिला के फरमाते ने उठ बिलाल, तेरे खरीदार आए नहीं, बिलाल तो उठे ही ना जावे। सिद्दीक ने पकड़ के उठा के ना, ते बिलाल दा बाजू कंधे ते रखिया, ते लै के टुरे ना, ते उमैया वेख रिया, सारे मक्की वेख रहे। उमैया बाद दे के कहन लगा अबू बकर मैं सुनिया सी
अरब का बड़ा सियाना ताजिर है, अज ते बड़े घाटे का सौदा किया आई। सिद्दीक अकबर फरमान लगे घाटे का किवें? कह लगा ये काले नु मैं कौड़ियां दे भाव च खरीदे कोई ना, हजारा का खरीद के लै चले आए। सिद्दीक अकबर फरमान लगे ओ आलम ये मेरे यार नु पसंद आ गया है। फरमाया घाटे का मैं भी तू सौदा किया है। वह मैया कह लगे मैं हजारा कमाए ने। फरमाया जालिमा हजारा का बेच दिता ई, अज कद रोम ते फारस दी बादशाही मगदो मैं बिलाल दे कदमां दुबार के सुट देनी सी। कह लगा मैं ते हजारा कमाए ने। सिद्दीक अकबर फरमान लगे जालमा एडा सस्ता बेच दिता। फरमाया रब्बे काबा दी कसम इसे बिलाल नू खरीदन वास्ते कदे अज मैनू विकना पैंदा, आप विक जावा सी बिलाल खरीद लै। बिलाल कान के पूछते ने जी किन्ने दा खरीदिया जाए, क्योंकि बिलाल नूं ख्याल आया गुलामी उधर भी करनी ते गुलामी इधर भी करनी, करनी ते गुलामी आई है। पुछदे ने जी किन्ने दा खरीदिया? सिद्दीक अकबर रो के जदों मुल दस्या ना ते फरमा जी यार दी मंडी च वेख्या, इश्क दी मंडी च बड़ा महंगा वेख्या। ते बिलाल रो के कहन लगे औगन हार को चज्जी खोजी, नकम्मी नेत्र निकारी, परसाइयां मुल खरीदी सईयो दे के कीमत पारी। अज साइयां मुल खरीदी सईयो देखे कीमत पारी। सिद्दीक अकबर जदों लैके नबी पाक दे दरवाजे च पहुंचे ना, ए इंज दरवाजा खुलिया। जिला बिहाड़ी दे रहण वाले हुण मैं केड़ा रंग देवां मेरे नबी दी निगाह जदों बिलाल दे चेहरे ते पई ते बिलाल दा खून पिया वगदा ना, मेरे नबी उठ के खलो गए। जाके ते वे ओ कैसा मंजर होवेगा जदों बिलाल दा इक बाजू सिद्दीक दे कंधे ते इक मुहम्मद दे कंधे ते होवेगा। सरकार ने लिया के बिलाल नु सामने बिठाया, बिलाल दी निगाहां नीवियां ते बिलाल जारो की ताल लोई जा रहे। मेरे आका ने फरमाया बिलाल अखियां ते निगाहां उठा ते मेरे चेहरे वल वेखना। ते बिलाल दी चीख निकल गई ते रो के कहंदे ने कमली वालिया असा गुलामा कदे मालकां दे चेहरे नहीं वेखे, मार बड़ी पैंदी है। मेरे नबी ने थोड़ी तो नीचे हाथ रखिया, चेहरा उठा के फरमाया फरमाया हुण निगाहां उठा के जिया कर, दुनियादार दा गुलाम नहीं बनया, खुदा दे यार दा गुलाम बनया है। औलाद वाली ने फरमा बिलाल तेनु इनाम देवा। लोगां पुछिया कमली वालिया बिलाल दा इनाम की है? मेरे आका ने फरमा दुनिया वालियो सारियां तो पहले मेरी उम्मत जन्नत च जावेगी, सारे नबियां तो पहले मैं जन्नत च जावांगा। फरमाया बिलाल दा इनाम है वे ए मेरे तो पहले जन्नत च जावेगा। अर्ज कीती कमली वालिया बिलाल किवें पहले जावेगा? तुसा जन्नत दा ताला खुलना है। मेरे आका फरमाया दुनिया वालियो जड़ी सवारी ते बह के मैं जन्नत च जाना है, ओदियां बागां फड़ के अगे अगे बिलाल टुरदा है। जदों ने कन्ना चुंगलियां लाके पहली बार अजान पढ़ी ना ते फरिश्तियां दे कन्ना च आवाज पई ते वजद ही आ गया। अल्लाह पर मैं फरिश्ते आख्या सी ना एक दिन आवाज इहदी होवेगी ते नगमा साडा होवेगा, फिर जग भी सुनिया करेगा ते रब भी सुनिया करेगा। फिर वह अजान पढ़ता ते एडी मिठी अजान पढ़ता है। हजरत दाता साहब रहमतुल्लाह दाता अली हुजवेरी कशफुल महजूब च फरमाते ने एडी मिठी अजान पढ़ते सन हजरत बिलाल अबशी के नबी पाक ने किसी सफर तो थक के मदीने आना ना ते हजूर ने आके मदीने फरमाना अरहना या बिलाल बिसला। हजूर ने फरमाना बिलाल अजान पढ़ मुहम्मद की थकावट उतर जावे। वो एडी मिठी अजान पढ़ते एक दिन नबी पाक एक गजवा तो वापस आ रहे थे, मक्के दे करीब तो गुजरे, मक्के दे बाहर काफिरां दे छोटे छोटे बच्चे ऊंट ते बकरियां पे चार दे। सहाबा दे अजान दा टाइम होया ते नमाज पढ़न वास्ते अजान की ना ते ए काफिरां दे बच्चे भी कन्ना चुंगलियां लैके ना ते मुसलमानां दी नकल उतारन लग पे ते अजान पढ़न लग पे। नबी पाक एक बच्चे दे करीब आए, हजूर ने उस बच्चे नूं फड़ के सीने लगा के हजूर फरमा दे मैनूं अजान सुना। बच्चा काफिरां दा, सहाबा अर्ज कीती कमली वाले इस बच्चे नूं क्यों इन्ना प्यार पे कर दियो? हजूर ने फरमाया गौर नहीं किया इस बच्चे की आवाज मेरे बिलाल नाल बड़ी मिलती है। ये ओही बच्चा जिहड़ा वड्डा होके सहाबी रसूल हजरत अबू मखजूरा बने।
बच्चा जो बड़ा होकर जो कलमा पढ़िया तो मेरे नबी ने फरमाया तू काबे अज़ान मक्के च पढ़िया कर, बिलाल तू मदीने मस्जिद नबी च पढ़िया कर। पूछा कमली वाले क्यों? फरमाया मेरा जी करता मैंने मक्के हुई बिलाल की आवाज़ आवे, मैंने मदीने हुई बिलाल की आवाज़ आवे। ओदी अज़ान फिर ऐसी अज़ान याज जो फतह मक्का का दिहाड़ा मेरे नबी फरमाया चढ़ जा काबे की छत से अज़ान पढ़। जिथे तक मैं तकरीर ले आया ना इतने तक मैं ढाई घंटे च लैके आना, पर वेख लो मैं घंटे च लै आया तुहानू जल्दी जल्दी अज मैं शॉर्टकट तकरीर कर ली है भाई, वरना इस मैं बात नू फैलावा ते करीम दे जोड़ियां दा सदका ते जुल्फे महबूब की तरह लंबी हो जाए। हाँ जिवें विछोड़े की लात लंबी होंदी है ना, गल भी लंबी हो जाए, पर मैं मुख्तसर करके अर्ज कर रहा। हज़रत शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमा मेरे नबी फरमा चढ़ काबे की छत ते पढ़ अज़ान। बिलाल रो के अर्ज की मैं गुलाम मक्के दे चौधरी खलोते तेना चौधरी तो मैं उच्चा किवें हो जावा? फरमा तू खाबे की छत चढ़ जा, मैं दुनिया के चौधरियों आ इत दसना है वो दुनिया के चौधरी हो तुहाडे नाल मुहम्मद दे कमी का मुकाम बहुता जे। बिलाल जब आए ना काबे की छत कन्ना चुगलियां बिलाल अज़ान पढ़ी जा रहे थे, दम खुद होगी कायनात, दम खुद होगी कायनात। बिलाल अब्सी जड़े वाले काबे की छत अज़ान पढ़ी जा रहे, जवानों लोगों को ख्याल आया बिलाल अज़ान से काबे वाल चेहरा करके पड़ी दी है, बिलाल कौन किधर चेहरा करके अज़ान पड़ी जा रहे हैं। लोग बिलाल का इश्क वे के हैरान रह गए, बिलाल अज़ान पड़ी जा रहे हैं, पड़ी जा रहे हैं, पड़ी जा रहे हैं, जिधर जिधर कमली वाला टुरी जा रहे हैं, बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहे हैं, मुड़ी बिलाल उधर उधर मुड़ी जा रहे हैं। वो काबे की छत चढ़ के उन्हें यार बार चेहरा करके जब अज़ान पढ़ी ना तो बिलाल ने दस्या दर मुर्शद दा खाना काबा, दर मुर्शद दा खाना काबा हज जरूरी करिए। ते बाबा बुल्ले शाह ने दा तर्जमा जो फरमा फरमांदे ने पहली पौड़ी इश्क तेरे दी पुल सिरा ते डेरा लोकी हज मक्के नू जांदे ते मैं मुख वेखा तेरा, लोकी हज मक्के नू जांदे मैं मुख वेखा तेरा। बिलाले हबशी ने अख रखी मुहम्मद दे मुख उते ते अज़ान पढ़ी। एक ना यहूदी आया हजरत बिलाल हबशी को, तवज्जो है जी, थके तो नहीं? हाथ खड़े करो जेड़े जेड़े थक गए हो, सुभान अल्लाह। चलो हुण हाथ चुक के बोलो, मैं कुछ नहीं कहता। अगली बारी मैं इंतजामिया नु कह के जाना कि स्टेज ते बिस्तरे लवा दो, ठीक है, क्योंकि इन्हें कड़ा बोलना होंगे तो राम फरमान ना हो, सदके जावा। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओम बाबू सारे दा सांझा ही है यार, बोलो सुभान अल्लाह। अल्लामा रमजान साहब एक दिन ना आए जी साहब, एक यहूदी आके हजरत बिलाल नू कह लगा तू आज तो बाद किसी होर को कर्जा नहीं लेना, मेरे को लेना, मेरे को बड़ी दौलत है ते मैं तेनों कर्जा दिया करांगा, जेड़ी चीज़ खरीदनी होगी मेरी दुकान तो उधार खरीद के। नबी पाक अक्सर बिलाल हबशी नू फरमाना ना बिलाल फलां चीज़ खरीद के लैके आ, बिलाल ने दौड़ लगा देनी, यह नहीं आखना पैसे दो अपने कुल भी नहीं, मुरीदे सादिक सा ना अपने कुल भी नहीं है, पर पूछना भी नहीं, उधार खरीद के ले आना। ये मैं उधार खरीदने वाला सिलसिला शुरू किया तो तकरीर लंबी हो जानी है, मैं फिर कदे अर्ज करांगा। ये जेड़ा मैं लफज बोले ना मेरा उधार चलता है वो मैं अगर हदीसे पाक दी रूह नाल अर्ज किया तो फिर इश्क दी वादी च मैं दूर चला जावांगा, मैं जाना नहीं चाहता इस वेले, वक्त थोड़ा है। हजरत बिलाल नू कह लगा कि उधार खरीदनी होवे तो मेरी दुकान तो चीज़ खरीदनी है, किसी होर को तो नहीं जाना, मेरे को बड़ी माल ते दौलत है, अजकल तो बिल्कुल बेफिक्र हो जा। आपने फरमाना ठीक है, मगर इस मुकाम पे आके हजरत अल्लामा शेखुल हदीस वल कुरान अल्लामा फैज अहमद वैसी बहावलपुरी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी मोहब्बत दी थी गल लिखी है, आ फरमाते ने कि यहूदी ने क्यों इंज आख्या, आ फरमाते ने असल गल ऐसी, जदों हजरत बिलाल हबशी मस्जिद नबी च अज़ान पढ़ते सन आवाज ही बड़ी मिठी, ये यहूदी का मकान सी बिल्कुल मस्जिद के करीब, तो जो बिलाल ने अजान पढ़नी तो इन्हें इस तरह करके ना जुमना
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਜੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਠੰਡੀ ਜੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਏਡੀ ਮਿੱਠੀ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਇੰਜੀ ਅਜ਼ਾਨਾ ਪੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਯਹੂਦੀ ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਣ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਆ ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਅਫਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਧਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਣਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਅਫਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਨਾ ਫਲਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਧਾਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਤਨੇ ਕ ਉਧਾਰ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਿਲਾਲ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਚ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲਾਂ ਬਿਲਾਲ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ ਕੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਰਗਾ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਆ ਇੱਕ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਤੇ ਪਲਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀ ਪਹਿਨੀ ਤਲਵਾਰ ਪਕੜੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਮਦੀਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲੀ ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ नबी पाक दे दरवाजे ते आए देखे चार ऊंट समान दे लदे होए खड़े ने नबी पाक ने फरमा बिलाल मेनू तोहफा मिले ने जा जा के ऊंट ले जा यहूदी दे पैसे दे के आ बिलाल चार ऊंटा दी मुहार पकड़ी यहूदी कोल चले गए फरमा दे ने कर हिसाब उने हिसाब कीता तीन ऊंटा दा समान बनया तीन ऊंट उनो दे आए एक ऊंट दी मुहार कंधे ते रखी ते मदीने दीयां कलियां जे टुरदे आ रहे ते नाले पर्दे ने मेरा राखा कमली वादा है मैनू कौन मिटावन वाला है तेरी उस सोने नाल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला अच्छा तू मैनू की गुलाम बनाना है मेरा राखा कमली वाला है परमा तू मैनू की गुलाम बनाना मेरा राखा कमली वाला है जेड़ा विकिया होवे ओ ते नहीं ना विकदा फरमा मैं ते पहले मुहम्मद दे बाजार च विकिया होया बिला बिलाले हबशी ऐसी अजान पढ़ दे गिरामी कदर हजरात सीन पढ़ दे सन सीन शीन पढ़ी नहीं सी जांदी किसी आख्या जी ये हबशी नू अजान की ड्यूटी दी जे किसी अरबी नू दियो कोई अरबी तलफुज वाला इस सीन पढ़ता इस कोल अशहादो पढ़िया जाता अशहादो नहीं पढ़िया जाता बिलाले हबशी नू खबर हो गई ते रोके अर्ज कर देने मेरे कोल ते नहीं पढ़िया जाता या मेरी जुबान बदल दे ते या अपनी अजान बदल दे मैं कयामत नू तेरी बार गचावां ते शर्मिंदा ते ना होवां इधर बिलाल सजदे च रो रो के कह रहे या अल्लाह या मेरी जुबान बदल दे या अजान बदल दे मेरे को नहीं शीन पड़ी जाती मैं कोई अरबी तो नहीं था मैं हबशी हाँ उधर अल्लाह ने अपने महबूब से वही नाजल कर ली थी अल्लाह ने फरमा कमली वाले सीन ओ बिलाल इंदल्लाह शीन अल्लाह फरमाता सोने ऐलान कर दे लोगो तुहाडी ते शीन कबूल है बिलाल दी सीन ही कबूल है ये सीन पढ़ता सानू शीन ही सुनी जाती है ਇਹਦੀ ਸੀਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਤੋ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਮਾਮ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ ਸੀ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਜਿਹੜੇ ਅਰਬੀ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਗੋਰੇ ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸੈਯਦਨਾ ਬਿਲਾਲ ਸਾਡਾ ਆਕਾ ਬਿਲਾਲ है हबशी पर आका हबशी होके ते अरबियां दा ते गोरियां दा हजरत उमर फारूक ने फरमाना सैयदना बिलाल साडा आका बिलाल आखिरी गल सुनो ते इजाजत लवां फिर आया कदे बाकी गल सुनावांगा मके दे के मोहल्ले जाती मारिए रंग दा गोरा है नाम दा बुलाहब है जात दा
ਮੇਰਾ ਚੌਧਰੀ 8 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਮਾ ਤਪਤੀਆ ਦਾ ਵੀ ਲਹਬਿਓ ਤਪ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਰਮਾ ਬੁੱਲਾ ਪਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਅਰਦ ਕੀਤੀ ਆ ਲੈ ਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਗੋਰਾ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਆਈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਨਾ ਗਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੱਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਹੱਲੇ ਵੇਖੋ ਰੰਗ ਦਾ ਵੀ ਗੋਰਾ ਆਈ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਆਈ 8 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੋਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ मके दे दूजे मोहल्ले जाती मारो रंग दा भी काला है जात दा भी गुलाम है टूटी हुई जुती पान वाला कमर भी झुकी हुई है ओदा लिबास तार तार है हालत दिल बिगार है तेरे ते गर्द का बार है अब आ दई इदे नाल ही प्यार है क्योंकि एदा नाम पिला प्यारा लगता है क्योंकि रब काला रंग नहीं वेखदा दिल विच कमली वाला वेखदा है।